ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉक को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कोच बन सकते हैं। हॉक का कहना है कि अगर टीम उन्हें 2022 में रिटेन नहीं करते हैं तो धोनी कोच की भूमिका में नजर आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर ने धोनी को चेन्नई सुपर किंग का महाराज करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि करिश्माई कप्तान फ्रेंचाइजी का साथ नहीं छोड़ेगा। वहीं हॉग ने ट्विटर पर एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि फैन ने उनसे धोनी के भविष्य के बारे में सवाल किया था। फैन ने पूछा था कि अगर सीएसके मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिटेन नहीं करती है तो पूर्व भारतीय कप्तान का भविष्य क्या होगा। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को खबर आई कि इस साल के आखिर में आईपीएल का मेगा ऑक्शन हो सकता है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए नियमों के बारे में भी जानकारी सामने आई। वहीं आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ने खबर दी थी कि फ्रेंचाइजी को 3 भारतीय, 1 साथ विदेशी या 2 भारतीय और 2 विदेशी खिलाड़ी को रिटेन करने की इजाजत होगी। इसके बाद ट्विटर पर कई फैंस ने उन खिलाड़ियों के नाम की भविष्यवाणी करना शुरू भी कर दिया जिन्हें चेन्नई की टीम रिटेन कर सकती है। वहीं धोनी आईपीएल की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़े हुए हैं। वो चेन्नई की टीम के लिए आइकन है, लेकिन आने वाली नीलामी में धोनी के भविष्य पर अटकलें लगना शुरू हो गई है। आईपीएल के नए रिटेंशन नियमों के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी को टीम में रिटेन करने पर चेन्नई की टीम को 12.5 या 15 करोड़ रुपए की रकम का भुगतान करना पड़ेगा। वही धोनी 7 जुलाई 2021 को 40 साल के भी हो जाएंगे। इसके साथ ही इस उम्र के खिलाड़ी पर 3 साल के पूरे चरण के लिए इतनी रकम खर्च करना भी टीम प्रबंधन के लिए गहन चिंतन का विषय हो। वहीं हालांकि धोनी की कप्तानी को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक बल्लेबाजी के तौर पर माही ने अब वो पुराने वाले रंग नजर नहीं आता। बीते 2 आईपीएल सीजन में उनका बल्ला खासा रन नहीं बना पा रहा है। वो गेंदों को अच्छी तरह से स्ट्राइक नहीं कर पा रहे। कई बार बल्लेबाजी क्रम में वो अपने से ऊपर कई पावर हिटर्स को भेजते हैं। इसके बाद ही अटकलें लग रही हैं कि उम्र अब धोनी के साथ नहीं है। ऐसे में वो आने वाले वर्षों में मेंटोर या कोच के रूप में नजर आ सकते हैं।